स्प्रिंग शूज रनिंग रेस। संजय नगर नाम के एक शहर में रामू एक प्राइवेट बस ड्राइवर के तौर पे काम करता था। उसके एक लौते बेटे विजय को अच्छे से पढ़ाकर उसे बड़ा अफसर बनाने का सपना देखता था। रामू बहुत कम तनख्वाह मिलने पर भी वो उस शहर के एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में अपने बेटे को पढ़ा रहा था। रामू की पत्नी सुमति, इतनी मेहनत करके बड़े स्कूल में विजय को पढ़ाने की क्या जरूरत है, किसी साधारण स्कूल में भर्ती करा देते, बोली। रामू, हम ये सारी मेहनत हमारे बेटे के लिए ही तो कर रहे हैं, किसी गैरों के लिए तो नहीं ना। कल के दिन वो अगर तरक्की करेगा तो सबसे पहले खुश होने वाली तुम ही होगी ना। रामू का बेटा विजय भी अपने पिता की मेहनत को जानकर बहुत अच्छे से पढ़ता था। ये देखकर माँ सुमति बहुत खुश होती थी। एक बार विजय स्कूल होने के बाद घर आ रहा था, तभी उसका दोस्त बोस, यार विजय, अगले हफ्ते हरदम के जैसे ही हमारे स्कूल में कंपटीशन रखने वाले हैं, ये बात तुम्हें पता है क्या, पूछा विजय तब। मुझे पता नहीं है यार, तुमने बताकर अच्छा काम किया, मगर हमारे क्लास में अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किए, कहकर पूछा बोस। शायद कल या परसों टीचर अनाउंस करेंगे, तुम किसमें भाग लोगे, कहकर पूछा। विजय रनिंग में भाग लेगा, कहा। ऐसे दोनों बात करके अपने अपने घरों को चले गए। अगले हफ्ते उनके स्कूल में रनिंग रेस का आयोजन किए। विजय साधारण जूतों में भाग लिया, उसे थर्ड प्राइज मिला। उस प्रतियोगिता के समापन सभा में हेडमास्टर, 4 महीनों के बाद सिटी में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, हमारे कॉन्वेंट के बच्चे अभी से अपने नाम देकर प्रिपरेशंस शुरू कीजिए, सब समझ गए ना, कहकर अनाउंस किया। ये सुनकर विजय घर आया, उसने देखा कि सुमति का भाई मोहन वहां पर आया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मोहन ने देखा कि विजय किसी के बारे में बहुत सोच रहा था। क्यों विजय, क्या बात है, गहरी सोच में पड़ गए हो, कहकर पूछा विजय तब। कुछ नहीं मामा, 4 महीनों के बाद स्कूल के बच्चों के बीच शहर में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। उसमें भाग लेते वक्त किस तरह के ड्रेस और शूज का उपयोग करूं पता नहीं चल रहा है, कहकर पूछा मोहन तब। तुम किस स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हो, कहकर पूछा विजय तब। मैं रनिंग रेस में भाग लूंगा, कहा मोहन तब। ओ ऐसा क्या, ठीक है तैयारियां शुरू करो, कहा। मोहन विजय को बहुत पसंद करता था। मोहन बहुत मेहनत करके पढ़कर अमेरिका में सेटल हुआ। मोहन 2 दिन रुककर अमेरिका गया और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के 1 हफ्ते पहले अमेरिका से लौट आया। वो विजय के लिए ढूंढने लगा, उसे विजय नहीं दिखा। मोहन सुमति से, दीदी वो कहाँ है, दिख नहीं रहा, कहकर पूछा। सुमति, पता नहीं, वो सुबह से बहुत उदास है, पता नहीं कहाँ गया है, यूं कह रही थी तभी विजय वहाँ पर आया। मोहन उसे देखकर, ऐसे उदास क्यों हो, क्या हुआ, कहकर पूछा विजय। कुछ नहीं मामा, आप कब आए, कहकर पूछा मोहन तब। पहले तुम कारण बताओ, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, कहा विजय। कॉम्पिटिशन्स हैं, यूं कहा मोहन तब। ओ तो ये बात है, कहकर बैग लेकर उसके अंदर से स्प्रिंग शूज निकालकर विजय को देते ही उसका चेहरा खिल गया। वो तुरंत, थैंक्स मामा, कहा। मोहन, इन जूतों को पहनकर रनिंग रेस में भाग लेना, तुम ही जीतोगे, कहा। 1 हफ्ते के बाद इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में रनिंग रेस शुरू हुई। सभी बच्चे रनिंग रेस में काम आने वाले जूते पहने। विजय स्प्रिंग शूज पहनकर रनिंग रेस में भाग लेने के लिए तैयार हुआ। रेस शुरू करते हुए रेफरी ने झंडा हिलाकर विजिल मारा। रेस शुरू हुई, बच्चे भागने लगे। 20 में होर्डिंग्स भी थे। शुरुआत में विजय थोड़ा घबराया, मगर तुरंत होश में आकर रफ्तार बढ़ाया। उसके सामने 4 बच्चे थे। विजय दोनों को पार करके स्प्रिंग शूज की मदद से भागने लगा। सामने और 2 बच्चे थे। विजय स्प्रिंग शूज की मदद से एक और बच्चे को पार किया। अब विजय के सामने एक ही बच्चा था। विजय तेजी से भागकर फिनिशिंग लाइन को पार किया। अनाउंसर, विजय इज द विनर, कहकर घोषणा किया। सब खुश हुए। कलेक्टर ने विजय को कप और 10,000 रुपए का इनाम दिया।